ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपने फ़ोन को रिसेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने किसी भी फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये रिसेट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम अपनी सैमसंग मोबाइल को कैसे हम रिसेट कर सकते हैं, या कोई भी मोबाइल हो कैसे उसे रिसेट करना है, इसके बारे में आज आपको हम डिटेल्स में समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सब कुछ आपको अपने मोबाइल में लाइव प्रूफ रिसेट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे गैलरी में अभी ढेर सारे वीडियो या फोटोज हैं और ये मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसे रिसेट करूँ। तो अगर आज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आप भी रिसेट करना आसानी से किसी भी मोबाइल में कैसे रिसेट होता है आप भी सीख जाएंगे। तो रिसेट करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग वाले आइकन में जाना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेटिंग में जाएंगे, आपका फ़ोन अभी हैंग कर रहा है, अगर आप रिसेट कर लेते हैं तो आपका फ़ोन भी तब रॉकेट की तरह चलेगा, आपका फ़ोन 1% भी हैंग नहीं करेगा। अभी तो बहुत हैंग कर रहा है, लेकिन जब आप रिसेट कर लेंगे तो अब आपको हैंग नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बैकअप एंड रिसेट का फीचर दिख जाएगा। आपको कहीं पर आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैकअप एंड रिसेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखिए फ्रेंड्स, रिसेट सेटिंग, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, फैक्ट्री डाटा रिसेट। सेटिंग को केवल डिलीट करना चाहते हैं तो आप रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप केवल नेटवर्क सेटिंग को डिलीट करना चाहते हैं, रिसेट करना चाहते हैं, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने फाइल्स एंड जो भी आपके कोई डाउनलोड ऐप या कुछ भी आपके फाइल में होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा अगर आप फैक्ट्री डाटा रिसेट पर क्लिक करते हैं। तो हाँ, मुझे सब कुछ डिलीट हो जाए ताकि मेरा फ़ोन भी जो हैंग कर रहा है हैंग ना करे। तो मुझे डिलीट करने के लिए यहाँ फैक्ट्री डाटा रिसेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये देखिए फ्रेंड्स, आपको रिसेट डिवाइस का एक फीचर दिखेगा। रिसेट करने के लिए आपको रिसेट डिवाइस पर क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड्स आप रिसेट डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने फ़ोन का जो भी पैटर्न डाला है वो आप अपने फ़ोन का पैटर्न यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन का पैटर्न डाल देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोड एप्लीकेशन विल बी इरेज्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये करना है कि आपके सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोड एप्लीकेशन सब डिलीट हो जाएगा और उसे आप रिकवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर एग्री हैं, सहमत हैं, तो आप डिलीट ऑल पर क्लिक कीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप डिलीट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोन आपका शटिंग डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद आपका ये फ़ोन रिसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ़ोन रिसेट हो रहा है, आपको यहाँ पर मैं एकदम लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, मेरा फ़ोन रिसेट हो रहा है। ऐसे ही रिसेट होता है, कुछ टाइम तक आपको वेट करना है। जैसे ये रिसेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये गायब हो जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गायब हो गया, अब मेरा फ़ोन ये स्विच ऑन हो रहा है। फ्रेंड्स, आपका फ़ोन रिसेट होकर ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आप अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट पर, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको टर्म एंड कंडीशन है, आपको उसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एग्री पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपना डेट एंड टाइम अपना डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, कुछ भी अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोटेक्ट योर फोन। ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं, यदि आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लगा सकते हैं, पिन लगाना चाहते हैं पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो जो भी आप लगाना। फिलहाल मैं पैटर्न लगाना चाहता हूं, तो मैं यहां आप अपना पैटर्न जो भी लगाना चाहते हैं कि फ्रेंड्स फिर से आपको वही पैटर्न फिलअप करना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। दिया बैकअप पिन आपको पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप अपना पैटर्न भूल जाते हैं तो आप ये बैकअप पिन डालकर अपना पासवर्ड को खोल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते रहना है। इन प्रोग्रेस हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसी पर क्लिक करना है, स्किप पर क्लिक करना है, स्किप पर क्लिक करना है। तो ये आपका ये देखिए फ्रेंड्स, आपको फिर से ये देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, लेटर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखिए फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये मेरा फ़ोन 100% ये रिसेट होकर रेडी हो चुका है। अब फ्रेंड्स मैं अपना गैलरी ओपन करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे गैलरी में कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ मेरा रिसेट हो चुका है, मेरी सभी सेटिंग्स भी डिलीट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स आप अपना फ़ोन अगर आप चलाएँगे तो कसम से एकदम रॉकेट की तरह चलेगा, आपका फ़ोन 1% भी हैंग नहीं करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सेटिंग में देख सकते हैं, कितना गजब लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से आप अब अपने फ़ोन को आसानी से आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि कैसे हम अपने फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं, सैमसंग के किसी भी फ़ोन को कैसे रिसेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला था। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।